वेलकम बैक टू PRST न्यूज। चलिए जानते हैं यूपी की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। परिक्रमा जा रही स्कॉर्पियो गाड़ी ट्रक से टकराई, 10 लोग घायल, 2 की हालत गंभीर। खबर गोंडा से है। अयोध्या हाईवे मार्ग स्थित पराग डेरी के पास शुक्रवार की सुबह 8 बजे स्कॉर्पियो और ट्रक में आमने सामने की टक्कर हो गई, जिसमें 10 श्रद्धालु घायल हो गए। इलाज के लिए उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनमें से 2 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्रा ने रिजर्व पुलिस लाइन गोंडा में साप्ताहिक शुक्रवार परेड का किया निरीक्षण। शारीरिक दक्षता विकसित करने हेतु लगवाई दौड़। परेड की टोलीवार करवाई ड्रिल। ड्रिल को और बेहतर करवाने हेतु संबंधित हो दिए आवश्यक दिशा निर्देश। करनैलगंज क्षेत्र में ट्रेन से कटकर वृद्ध महिला की हुई दर्दनाक मौत, घंटों इंतजार के बाद भी नहीं पहुंची GRP। खबर करनैलगंज गोंडा से है। शुक्रवार को सुबह 11:30 बजे गोंडा से लखनऊ की ओर जा रही पूजा स्पेशल ट्रेन से कटकर एक वृद्ध महिला की दर्दनाक मौत हो गई। दुर्घटना की सूचना पर कस्बा चौकी प्रभारी सुनील तिवारी, एजाज अहमद, आरक्षी विकास मौके पर गए। पुलिस कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर शव को देखने के लिए रेलवे ट्रैक पर जुटी भीड़ को वहां से हटाया। दुर्घटना के बाद काफी देर तक GRP पुलिस घटनास्थल पर नहीं पहुंची। दुर्घटनाग्रस्त बुजुर्ग का शव रेलवे ट्रैक पर पड़ा रहा। अयोध्या परिक्रमा करने जा रहे श्रद्धालुओं के साथ सड़क हादसा, अनियंत्रित होकर पलटी मैक्सिमो, 11 श्रद्धालु घायल, सभी को लाया गया जिला अस्पताल। 28 श्रद्धालु सवार थे महिंद्रा मैक्सिमो पर। थाना कैंट के सहारतगंज के पास हाईवे पर हुआ हादसा, 12 बंकी के रहने वाले थे सभी श्रद्धालु। अयोध्या में चल रही है 14 कोस परिक्रमा। खबर औरैया से है। औरैया जिले में गोवंशों से किसान परेशान, दिन रात खा रहे हैं फसल, किसान मरने की कगार पर। खबर औरैया से। ग्रामीण क्षेत्रों में अन्ना मवेशी किसानों के लिए मुसीबत बनी हुई है। इन दिनों खेतों में खड़ी फसलों को दिन और रात मवेशी चट कर रहे हैं। खेतों में खड़ी फसल कैसे बचाई जाए, ये सोचकर किसान परेशान है। खबर लखनऊ से है। सचिवालय में महिला कर्मी से अश्लीलता का मामला, आरोपी अनु सचिव इच्छा राम यादव गिरफ्तार। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में अनु सचिव है इच्छा राम। महिला की शिकायत पर मुकदमा हुआ दर्ज, हुसैनगंज थाने में 29 अक्टूबर को FIR दर्ज हुई। जनपद के बीकापुर कोतवाली क्षेत्र में एक अधेड़ व्यक्ति की चाकू से गोदकर निर्मम हत्या कर दी गई, जिसका शव गांव के ही रमऊपुर गांव में मिला तो परिजनों में कोहराम मच गया। हत्या का कारण पारिवारिक रंजिश बताया जा रहा है। वहीं मृतक की पत्नी ने 6 नामजद लोगों के खिलाफ हत्या की तहरीर दी। कल भारतीय जनता युवा मोर्चा अयोध्या महानगर द्वारा साकेत विश्वविद्यालय के सामने सदस्यता कैंप लगाकर सैकड़ों युवाओं को भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनाया गया। कैंप का उद्घाटन अयोध्या नगर निगम के महापौर ऋषिकेश उपाध्याय व भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष श्री अभिषेक मिश्रा ने किया। खबर अयोध्या से। जिलाधिकारी नीतीश कुमार व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शैलेश कुमार पांडे द्वारा 14 कोसी परिक्रमा में लगाए गए मैजिस्ट्रेटों, पुलिस अधिकारियों आदि की राम कथा संग्रहालय में की गई ब्रीफिंग। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे अपने अपनी ड्यूटी क्षेत्र में तैनात अधिकारियों के साथ आवश्यक बैठक कर लें तथा कोई समस्या हो तो उसका समाधान भी कर लें। पूर्व कैबिनेट मंत्री राजकिशोर सिंह का हुआ एक्सीडेंट, लखनऊ के चिन्हट के पास फॉर्च्यूनर कार के उड़े पर खच्चे। सड़क पर खड़ी ट्रेवलर बस से टकराने के बाद हुआ हादसा, बाल बाल बचे पूर्व मंत्री और बसपा नेता राजकिशोर सिंह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और CM योगी आदित्यनाथ कल वाराणसी में रहे और आज वे आजमगढ़ में रहेंगे और बस्ती जाएंगे। उधर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव 13 नवम्बर को गोरखपुर से कुशीनगर तक यात्रा करेंगे। दिल्ली के एक व्यक्ति और उसके बेटे को अवैध रूप से गिरफ्तार करने के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा उत्तर प्रदेश के पुलिस विभाग की आलोचना के बाद यूपी के 2 पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया। लखीमपुर खीरी हिंसा के करीब 40 दिन बाद गुरुवार की देर शाम लखीमपुर खीरी के पुलिस अधीक्षक विजय डुल का तबादला कर दिया गया। डुल को लखनऊ में उत्तर प्रदेश राज्य पुलिस मुख्यालय से संबद्ध कर दिया गया है और उन्हें प्रतीक्षा सूची में रखा गया है। वहीं इसके साथ ही अपर पुलिस अधीक्षक नगर मुरादाबाद के पद पर तैनात अमित कुमार आनंद का भी तबादला किया गया। यूपी सरकार ने खुफिया विभाग से मिले इनपुट के आधार पर राज्य के डिप्टी CM दिनेश शर्मा और कानून मंत्री ब्रजेश पाठक की सुरक्षा बढ़ा दी है। डिप्टी CM दिनेश शर्मा को Z+ और मंत्री ब्रजेश पाठक को Z श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। यूपी से एक दल दहलाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक मां ने अंधविश्वास और घरेलू कलह के चलते अपने 2 जिगर के टुकड़ों को बेरहमी से मार डाला। दोनों मासूम को बचाने पहुंचे पिता पर महिला ने प्रहार किया। पत्नी के प्रहार से पिता बुरी तरह से घायल हो गया। दोनों मासूम की हत्या से क्षेत्र में सनसनी फैल गई।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ड्रीम प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन की तारीख तय हो गई है। लोकार्पण के लिए बाबा विश्वनाथ के प्रिय दिन सोमवार का चयन किया गया है। पीएम मोदी 13 दिसंबर को इसका शुभारंभ करेंगे। बर्ड वॉच, नेचर ट्रेलर और पक्षियों के संरक्षण को लेकर सक्रिय हेरिटेज एविडेंस से जुड़ी युवा वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर करिश्मा सिंह उदास हैं। मंगलवार, गुरुवार और बुधवार 3 दिन रामगढ़ झील एरिया में सुबह 5 से 8 बजे तक करिश्मा ने अपने कैमरे में पक्षियों की तकरीबन 16 प्रजातियां कैद की, लेकिन उन्हें दुख इस बात का है कि एक को छोड़ सभी प्रजातियां रामगढ़ झील नहीं बल्कि इसके आसपास के छोटे तालाब में मिली। अगले 4 महीनों के लिए गरीबों को प्रदेश सरकार द्वारा बड़ी सौगात मिलने जा रही है। महंगाई की मार झेल रहे गरीबों को दिसंबर से मुफ्त दाल के साथ ही नमक और खाद तेल उपलब्ध कराकर सरकार उन्हें राहत देगी। संबल के नसाका थाना क्षेत्र के मंडलाई गांव में शुक्रवार सुबह घर में सो रही एक महिला को उसके पति ने गोली मार दी, जिससे महिला की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि महिला के ससुर ने अपनी बहू के नाम पर मकान खरीद दिया था, इसी बात से महिला का पति नाराज था। वहीं महिला की हत्या के बाद मायके पक्ष के लोगों ने दहेज की मांग पूरी न होने के कारण पति पर हत्या का आरोप लगाया है। उत्तर प्रदेश में 16 नवंबर को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। एक्सप्रेसवे के उद्घाटन से पहले भारतीय वायुसेना ने सुल्तानपुर के कूकेभार इलाके में बनी एयर स्ट्रिप को कब्जे में ले लिया है। गुरुवार को भारतीय वायुसेना के 3 जगुआर विमानों ने एयर स्ट्रिप के ऊपर उड़ान भरी। ऐसी और भी रोचक और दिलचस्प खबरें जानने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.prsdnews.in। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अभी जाएं और विजिट करें हमारी वेबसाइट www.prsdnews.in।